नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर महीने की तरह नए साल की 2023 की जनवरी ये मीन राशि वालों के लिए कैसे गुजरेगी, किस प्रकार के परिणाम उनको प्राप्त होंगे, किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या उपाय करें जिससे कि हमें ये महीना सुखद और लाभकारी हो। सज्जनों, एक प्रार्थना है मेरी कि वीडियो चालू होते ही और आप फोन मिला देते हैं, फोन मिलाने से पहले आपको चाहिए कि आपकी जन्म की तारीख, महीना, सन, समय, जन्म स्थान ये आपका है तो आप जरूर फोन मिलाइए, जानकारी लीजिए। लेकिन अगर ये नहीं है तो हम सेवा करने में असमर्थ रहेंगे और वहाँ से आपको जवाब आएगा कि अगर आपकी जन्म की तारीख टाइम है तो हम आपको कुछ बता सकते हैं। तो अब मीन राशि वालों के लिए अब मैं आपको जो है बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मीन राशि में बृहस्पति स्वयं विद्यमान है, अपने घर में है। अंगाधीश स्वगेहे यदि शुभ भवने वीक्षिता सत्वरूपा श्यानूनम पुण्यशील सकल जन्मता सर्वसंपन्न निधानम ज्ञानी मंत्री च भूपा सुरसुर नयनो मानवो मानवानाम। बृहस्पति अपने घर के अंदर, अपनी राशि के अंदर अगर विद्यमान है तो सबसे पहली बात यह है जितनी भी बाधाएं इधर की उधर की हैं उनको सबको समन कर देगा। ये मैं मानता हूं कि बृहस्पति यहां पर मीन राशि वालों के लिए अब जनवरी के अंदर 7.5 प्रारंभ होगी, लेकिन कम से कम जनवरी में तो उसका नुकसान आपको प्राप्त नहीं होगा, उसका परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। आगे के परिणाम आगे के महीनों के अंदर हम आपको देंगे, लेकिन अब ये बृहस्पति आपको यश और प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। समाज के अंदर, राजनीति के अंदर, हर जगह पर और विद्या में सफलता देने वाला है, भाग्य को बढ़ाने वाला है। बृहस्पति का आप लाभ उठाइएगा। और अगर किसी के संबंध, सगाई संबंध रुके हुए हैं तो वो जो है इस महीने के अंदर संभव हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कुंडली के अंदर किसी प्रकार का बाधक योग ना हो। अगर कुंडली में किसी प्रकार का बाधक और व्यवधान कारक योग है तो किसी भी दैवज्ञ से, ज्योतिर्विद से आप मिलकर के उसका समाधान करें तो आपका कार्य निश्चित रूप से बनेगा। अब जनवरी के महीने के अंदर दौड़ धूप बहुत होगी तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, पहली बात। दूसरे नंबर पर आप जो हैं सोची समझी योजना जो भी है वो कारगर होगी और कानूनी विवाद के अंदर राहत मिलेगी। चल अचल संपत्ति के अंदर आपको लाभ होगा, इजाफा होगा। और अब मैं आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूं। तो मीन राशि वालों के लिए पहली दूसरी तारीख और 3-4 तारीख, ये चारों ही दिन आपके लिए सुंदर, सुखद और लाभकारी होंगे। धन का लाभ, अच्छा माहौल परिवार के अंदर ये देने वाले होंगे। 5-6-7 तारीख ये थोड़ी सी चिंताएं उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन नुकसान नहीं होगा, अकारण चिंता होगी। 8-9 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। अगर इस समय पर आपका कोई इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है, उसमें निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। और अब आप चलिए 10-11-12 तारीख, इस समय पर देखिए जब रोड पे चलते हैं तो ढलान भी आता है, समतल भी आता है और चढ़ाई भी आती है। उसी प्रकार हमारे इस ग्रह चक्र के अंदर कोई ना कोई व्यवधान भी आता है। तो ये जो 3 दिन मैंने बोले 10-11-12, इसके अंदर कोई आपका पड़ोसी से, मित्र से, समाज से या परिवार में किसी भी प्रकार का कोई विग्रह, कोई कलह, कोई तूतू मैमे जो है वो हो सकती है, तो उससे आप सावधान रहें। 13-14 तारीख आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाली है।
15-16 तारीख इसमें स्वास्थ्य की गिरावट रहेगी, और 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 ये 7 दिन आपके लिए बहुत ही सुखद, सुंदर और अच्छे परिणाम देने वाले हैं। चाहे वो समाज से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, परिवार से संबंधित है, धन से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, उसके अंदर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, भाग्य की वृद्धि होगी और इस समय पर किया गया कार्य भावी जीवन के अंदर लाभ देने वाला होगा। अब उसके आगे चलते गए 24 और 25 तारीख, ये थोड़ा संभल के चलने वाला है। कोई अगर योजना बना रहे हैं कहीं कुछ इन्वेस्ट करने का, कहीं कुछ खर्च करने का, कहीं देन लेन करने का, तो वो जो है नुकसानदायी हो सकता है, इसलिए समझ जाइए 2 दिन की बात है। और इसके आगे के जो दिन हैं वो 26, 27, 28, 29, 30 और 31, ये 6 दिन लगातार आपको जो हैं खुशियां बरसाने वाले हैं। चारों तरफ से खुशियां आएंगी, अनायास धन की प्राप्ति होगी तो खुशी, परिवार में कोई मेहमान आ गया तो खुशी, परिवार के अंदर कोई उत्सव हुआ तो खुशी, कोई शादी ब्याह हुआ तो खुशी, यानी खुशी ही खुशी जो है इसके अंदर आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जन्म की राशि है तो ये मेल खाएगा, बाकी तो सारी जानकारी तो जन्म पत्री के आधार पर मिलती है। अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है और भी कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो इन नंबरों पर संपर्क कीजिएगा, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लीजिए और कार्यालय की कुछ सेवाएँ हैं वो आप अर्पण करें, और आप जो हैं अपना जो भी लाभ लेना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, समस्या समाधान लेना चाहते हैं, वो आप लेकर के लाभान्वित हों। नमस्कार।